मैं मिस्टर जी को यहाँ से खाली हाथ नहीं भेज रही हूँ, मैं यहाँ से अपनी ही मूली के लिए घास भेज रही हूँ। घुगती माला खा जा। यहाँ पर मिस्टर जी चार्ट बना दे रहे हैं दीयू का, और बुक में से देख के बनाना है। मैं चार्ट की अनबॉक्सिंग करती हूँ और फाइनल पेंटिंग दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है? एक बार मैं अभी देख लेती हूँ, उल्टा पकड़ रखे। अरे वाह, अरे वाह 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 वाह। मुमिना जैसे कैमरा बंद हुआ तो क्या बोल रही है? हम तेन बो कौती काल बोल, और अभी नहीं बोल रही क्यों? कौन आई थी वो कौती काल? तो जब हम ब्याज नहीं ना नहीं ब्याज थी। सबसे पहले आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा पलक, और छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। महीनों फिर से आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ, और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं अपने मायके से। आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा, मैं त्यौहार के लिए मायके आई थी, तो कल हमने घुपते बनाए, फ्राई वगैरह किए और घुपते खाए भी, और आज मॉर्निंग में नहा धो के फिर से त्यौहार बना दिया है। आज मॉर्निंग में भी ताजे घुपते बनाए, और उसके साथ साथ पूरी पालक जो भी आप त्यौहार में बनाते हो वो कौवे को देते हैं। तो हम लोग छत पर आ गए हैं कौवे को देने के लिए। तीयो आ चुकी है यहाँ पर कौवे के लिए त्योहार लेके, और इसमें है पूरी पालक घुकते और भुनी हुई लाल मिर्च और पकौड़े, तो ये हम देंगे अभी कौवे को। और बाकी दियो क्या बोलना चाहेगी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और सब्सक्राइबर को हैप्पी घुकती त्योहार नहीं बोलेगी? हैप्पी घुकती त्योहार आप सभी लोगों को, और मकर संक्रांति भी बोलते हैं। हाँ, और उत्तरायणी कौतिक की ढेर सारी शुभकामनाएं। तू नहीं जा रही कौतिक? जा रही। कब? कल। कल तो अब क्या करेगी तू? काले कौवे को बुलाऊंगी। पौष चला गया है, माघ का महीना लग चुका है, और माघ के महीने में आप किसी को खिचड़ी खिलाओ ये चीज़ बहुत शुभ मानी जाती है। और आज के दिन छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनके लिए घुपतों की माला बनती है, तो बचपन में मेरे लिए भी बहुत सारी बनती थी, काफ़ी एक्साइटमेंट होती थी, घर में भी बनाते थे, फिर ननिहाल जाते थे, ननिहाल से नानी लोग भी बनाते थे, और जहाँ हम नहीं पहुँच पाते हमारे लिए माला बन के आती थी, तो बहुत सारी माला हो जाती थी, और अपनी माला बचा के रखते थे, है ना दियो? हाँ, बाद में खाने के लिए। बाद में खाने के लिए, पहले ना जो घुकते होते थे उनको खाते थे, माला छुपाते थे, फिर बाद में माला में से खाते थे। और अभी हम दीव के लिए भी माला बनाएंगे, हैं? हाँ। पहाड़ में ना कौवा बुलाते हैं, किस प्रकार से बुलाते हैं मैं आपको बताती हूँ। वैसे पूरी लाइन तो मैं भी भूल चुकी हूँ, दीव को भी याद नहीं है, बट जो दो लाइन याद है हमें वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। दीव क्या बोलते हैं? काले कौवे आ जा, घुकते माला खा जा। हाँ, और इससे आगे भी कुछ बोलते थे बट मुझे तो याद, क्या इसके बाद याद नहीं है। तो इससे आगे अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम अगले बार पूरी लाइन बोल पाए। तो अब हम कौवे के लिए रख देते हैं, जब कौवा आएगा तब ये खा लेगा। काले कौवे आ जा, घुगती माला खा जा। काले कौवे आ जा, घुगती माला खा जा। हम लोगों ने यहाँ पर कौवे का नाम कर रख दिया है, अब इसे कोई और पक्षी खाए या कौवा खाए हमें पता नहीं चलेगा। और हम चलते हैं नीचे, मम्मी त्योहार बना रही है, आगे से ही बना रहे थे, उसके बाद ठंडा हो रहा था तो हम लोग धूप में आ गए हैं, क्योंकि नहाया भी था ना। आ चुकी हूँ छत में से नीचे, अब आपको दिखाती हूँ यहाँ पर क्या क्या चल रहा है नीचे। तो मम्मी अभी भी अंदर किचन में है, तो मम्मी ने यहाँ पर पकौड़ी बना ली, और फिर से घुपते के लिए ना कौवे के लिए बनाए थे एक बार आधा, फिर और आटा गूंदने लग गई मम्मी। फिर देना पड़ता है, पड़ोस में भी बच्चे हैं, उनको भी देना पड़ता है, साल भर का त्योहार ठहराए। यहाँ पर नाश्ता आ चुका है, तो मिस्टर जी यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ी देर में घर जा रहे हैं, और मैं आज यहीं रुकूंगी, मैं कल जाऊंगी सीधे भरारी, और दीयू चंदा मम्मी मैं उतरानी जाएंगे, और ये शरण से मम्मी को लेके आएंगे, है ना? यहाँ पे मम्मी ने आटा गूंद लिया है, और यहाँ पे शरण के लिए घुकते बन रहे हैं। यहाँ पर घुकते बनने स्टार्ट हो चुके हैं मेरे ससुराल के लिए, दीयू को भी आते हैं घुकते बनाने, देखो तो ये। दिन के
11 बज चुके हैं और अभी भी हम लोग छत में बैठे थे। तो अभी मैं आपको ना बहुत खास चीज दिखाने जा रही हूँ जो मुझे खुद पता ही नहीं था। तो दीयू का स्कूल का वर्क था, उसमें बनाना था चार्ट। तो दीयू सोच रही थी मैं किससे बना मांगू, मेरे को मुझसे बन नहीं रहा है। तो मिस्टर जी ने मंगा लिया चार्ट और यहाँ पे मिस्टर जी वही काम कर रहे हैं अभी। तो आपको भी दिखाती हूँ मैं मिस्टर जी की आर्ट। यहाँ पर मिस्टर जी चार्ट बना दे रहे हैं दीयू का और बुक में से देख के बनाना है। कुछ ऐसे बनाना है, इसकी प्रक्रिया टाइप की दिखानी है गोल करके। तो पहले अंडा, फिर मुर्गी अंडा देने बैठती है, फिर चूजा निकलता है, फिर चूजे से अंडा फूटते हुए चूजा निकल रहा, फिर चूजा बनाएंगे, फिर यहाँ पर मुर्गी बनाएंगे। को सेम ये बनाना है। और अभी मिस्टर जी यहाँ पर पहुँचे हैं तीसरे वाले पे, तो मिस्टर जी को ये बनाने देते हैं। मैं मिस्टर जी को यहाँ से खाली हाथ नहीं भेज रही हूँ, मैं यहाँ से अपनी ही मूली के लिए घास भेज रही हूँ जिसे पालियो बोलते हैं। मैं यहीं से ना पूरी व्यवस्था करके दे रही हूँ ताकि मम्मी भी उत्तरायणी की मेले आ पाए, क्योंकि घास नहीं होगा जब तो मम्मी मेला नहीं आ पाएगी। और अगर मम्मी और मैं भी घास आते तो मम्मी वहाँ हैं और मैं यहाँ हूँ, तो मैं यहीं से घास भेज रही हूँ ताकि मम्मी कल मेला आएंगे। तो चलते हैं और घास भी लेके आते हैं अपनी ही मूली के लिए। तो मैं चलती घास लेने के लिए और मम्मी भी चल रही है मेरे साथ। और मम्मी जाएंगे अभी मीटिंग में, स्कूल में किसी चीज़ की मीटिंग है, नीचे से आए हैं तो मम्मी को भी जाना है वहाँ। तब तक मैं घास काट के रखूँगी, फिर बांधेंगे उसको। तो भाभी और चाची वहाँ पर बैठे हुए हैं तो मैं भी वहीं जाती हूँ, चाची लोगों को मिल के आती हूँ एक बार। और वहाँ पर घुकते खा रहे हैं, आपको भी दिखाते हैं। देखो मम्मी लोग चले गए हैं मीटिंग पे, अब मैं काटती हूँ घास। एक बार मैं अभी ऊपर पर गई बट वहाँ पे ना काफ़ी सारे लोग थे और मीटिंग भी ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी शायद वो, तो मैं घास काट लेती हूँ एक बार। यानी कि खौन, हमारे वहाँ खौन बोलते हैं और मेरे ससुराल में खसरू बोलते हैं, तो उसे काटते हैं फिर मिस्टर जी ले जाएंगे उसको। तो मैं आ चुकी हूँ नीचे जहाँ घास है और सामने है पेड़ खसरू का, खौनी का। और मेरे साथ ना योगेश भी आ गया क्योंकि मुझे अकेले डर जैसा लग रहा था घास वगैरह है। तो चलते हैं यहाँ से। जैसे हम लोग नीचे पहुँचे थे मम्मी भी आ गई ऊपर से, तो मम्मी भी काटने लग गई है। यहाँ पर ना रोड के किनारे हैं जब, तो इसमें धूल भी बैठी हुई है। तो अब मैं इसे इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर इसे बांध के फिर ले जाएंगे। कुछ इतना सा काट लिया है, अब इसे हम बांधेंगे भी रिंगाल से, फिर मिस्टर जी गाड़ी में रख के ले जाएंगे। और अभी मम्मी और दे रही नीचे से, तो ये भी अभी उसी में रखेंगे फिर बांध देंगे साथ में। हमने खून भी खसरू भी काट लिया है, यानी कि मेरे मायके में खून बोलते हैं, वहाँ खसरू बोलते हैं। तो काट के यहाँ पर रख के जा रहे हैं हम लोग, जब मिस्टर जी जाएंगे ना तो यहीं पर से गाड़ी में रख देंगे, ऊपर क्या ही ले जाएँ। तो मम्मी आ गई थी काटने के लिए और मम्मी को पसीना हो गया पेड़ में जाके, तो हमने इस वाले पेड़ से काटा। और अब चलते हैं हम घर को, शायद मिस्टर जी ने चार्ट भी पूरा कर दिया होगा बना के। तो आपको मैं मिस्टर जी की कलाकारी भी दिखाऊंगी अभी जाके। मम्मी ना जैसे कैमरा बंद हुआ तो क्या बोल रही, हम तेन बो कौती काल बोल, और अभी नहीं बोल रही कि कौन है जी वो कौती काल। हाँ मम्मी बोल रही कल कौती कहेंगे करके घास भेज रही हूँ, कहीं नहीं जा रहे आजकल, घर में ही है, कल मेले में आएंगे, थोड़ा मेला देखेंगे साथ में, साथ में घूमेंगे फिरेंगे, बहुत सालों से हो रहा है। तो मेरी शादी के बाद फर्स्ट टाइम उत्तरायणी है ये, तो मम्मी चाहती हैं कि मम्मी भी आए, इसलिए घास वगैरह सब यहीं से भेज दे रहे। तो अब चलते हैं घर को, और धूप भी ना चट वाली हो चुकी है, 12 बज गए होंगे शायद, ऐसा लग रहा है धूप की वजह से। फ़ोन है मेरे पास फिर भी मैंने अभी तक टाइम नहीं देखा हुआ है कितना बज रखा है करके। और आज ना हमने जम के नाश्ता भी किया था, पूरी पालक दही घुपते वगैरह, तो उसकी वजह से पेट भी फुल है, भूख भी नहीं लग रही है।
मेरे मायके साइड ना अब सरसों भी खिल चुके हैं और जगह भी खिल गए होंगे, तो अब जल्दी फूल देई का त्योहार आने वाला है, तो इसमें ना सरसों के फूल भी काम आते हैं। क्या बाएं हाथ नहीं लगाया, दाएं नहीं लगाया, अच्छा बन जाता। मैं अभी ना मिस्टर जी को लेके छत में आ चुकी हूँ और अब मैं चार्ट की अनबॉक्सिंग करती हूँ और फाइनल पेंटिंग दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है? एक बार मैं अभी देख लेती हूँ, उल्टा पकड़ रखे। अरे वाह, अरे वाह 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 वाह, क्योंकि टेंशन दूर होगी है, चाल कौन बनाएगा करके। ये तो मिस्टर जी की पेंटिंग ये है और काफ़ी प्यारी पेंटिंग बना रखी है मिस्टर जी ने। देखो ये ना एक प्रक्रिया दिखा रखा है, पहले यहाँ पे देखो ये कहाँ से, पहले ये मुर्गी फिर ये अंडे हैं और यहाँ पे से फिर मुर्गी अंडे देती है, अंडे देने के बाद अंडे से चूजे निकलते हैं, फिर चूजे ऐसे थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर और बड़े होते हैं, फिर वही प्रक्रिया चलते रहती है। तो ये चीज़ दिखानी थी, अपना दीव की टेंशन ख़त्म होगी, नहीं तो दीव कहाँ से चार्ट बना मांगू रही। मेरे को भी ना चार्ट बनाना आता नहीं है, ज़्यादातर पेंटिंग मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। चलो मिस्टर जी ने दीव की हेल्प कर दी और अब मिस्टर जी घर को जाने लग गए हैं, ताकि कल मम्मी को ना मेले लेके आएंगे, मिस्टर जी पहले घर जा रहे हैं। बाकी मैंने अपना काम यहीं से कर दिया है, घास भेज दिया है मैंने मम्मी के लिए, और घर पर रह के भी मेरे को घास तो जाने देते थे नहीं मम्मी, तो अब मम्मी घर का काम करेंगे मेरे बदले वहाँ, और मम्मी के बदले घास मैंने यहाँ से भेज दिया है। मिस्टर जी रेडी हो चुके हैं और अब ये जाने लग गए हैं अपने घर को। मिस्टर जी अभी घर पर ही हैं, वो गाड़ी बैक करके आ रहे हैं, तब तक हम नीचे जाते हैं और घास गाड़ी में रख लेते हैं, क्यों तो उनके बैक करने में ना टाइम लग जाएगा, तो हमने सोचा तब तक हम थोड़ा सा नीचे रख देंगे रोड पे और चेरी को भी घुमा के लेके आएंगे। तो मिस्टर जी भी पहुंच गए हैं, अब हम लोग घास रखेंगे गाड़ी पे। लो आप रखो, कहीं पे स्क्रैच वगैरह लगेंगे। ये आपकी दोस्त घास है आज, ठीक है? अकेले नहीं भेज रही हूँ आपको मैं, हो जाएगा ना। चेरी तू भी जा रहा है? थोड़ा आगे खींचो। तो गाइस घास भी लोड हो चुकी है और अब मिस्टर जी जाएंगे अपने घर के लिए, यानी कि मेरे ससुराल के लिए। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, छोटी सी वीडियो बनाई आज के दिन में जो भी हुआ आप लोगों के साथ शेयर किया, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि जो आप नेक्स्ट वीडियो हो ना वो आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले उत्तरायणी कौतिक की। तो मिलती हूँ आपको जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।